हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चिकन की रेसिपी। आप अगर एक बार इस तरह से बना लेंगे और किसी को खिला दे तो बार बार आपसे इसी तरीके से बनाने के लिए बोलेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 kg चिकन को अच्छे से धो करके रख लिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल दें और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालें और 1 नींबू का रस डाल दें। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से मिला दें। यह बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं। अब इसे अच्छी तरह से मिला करके इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। यह ढककर छोड़ दे इसके 10-15 मिनट के लिए और इधर हम दूसरा काम कर लेते हैं। गैस पे एक कुकर चढ़ाएं और कुकर को अच्छे से गर्म हो जाने दें। कुकर गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 कप सरसों का तेल डाल दें और तेल भी अच्छे से गर्म कर लें। अब हम इसमें प्याज कटा हुआ डाल देंगे और इसे भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। प्याज को कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लें। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कुछ खड़े मसाले को हमने रोस्ट करके रखा है। लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, लौंग और इलायची, इसे भी इसी में डाल दें। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए प्याज अच्छे से गलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 3 टमाटर को कद्दूकस करके डाल देंगे और साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। नमक हमने चिकन में भी डाला है इसलिए अपने अंदाज से ही डालें और ये सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लें। प्याज टमाटर से जब तेल निकलने लगे तब हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें बेसन भी डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें हम सौंफ का पाउडर भी डालेंगे। ये देखिए प्याज और टमाटर से तेल निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले को डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक ढक कर हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। आँच को धीमा ही रखें नहीं तो नीचे जल जाएगा और बीच बीच में इसे चलाते रहें। 5 से 7 मिनट के बाद देखिए मसाला भी अच्छे से तेल चढ़ना शुरू कर दिया है लेकिन अभी भी प्याज अच्छी तरह से नहीं गला है।
मसाला का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 5 से 7 मिनट तक हम धीमी आंच पे ढक ढक कर पका लेंगे। 5 से 7 मिनट में ही इसका चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो हम इसमें 1 गिलास पानी डाल दे रहे हैं और इसका ढक्कन लगा के 1 सीटी तक पकाएंगे। और जब तक इसका प्रेशर ख़त्म नहीं हो जाए तब तक हम इसे नहीं खोलेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बहुत ही टेस्टी देखने में ही लग रहा है। तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी लगेगा, एक बार आप ज़रूर इस तरीके से बनाकर देखें, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे। ये देखिए गरम मसाला डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।